दिल्ली मेयर चुनाव इस वक्त असमंजस में फंस गया है। दिल्ली मेयर चुनाव आम आदमी के साथ राजनीतिक दलों के बीच सुर्खियों में छाया हुआ है, पर अब एक और प्रयास किया गया है। दिल्ली मेयर चुनाव की एक नई डेट का ऐलान किया गया है। दिल्ली एमसीडी मेयर इलेक्शन अब 16 फरवरी को होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम ने चुनाव कराने का एक प्रस्ताव केजरीवाल सरकार के पास भेजा, जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी की तरफ बढ़ा दिया। इस प्रस्ताव के मिलते ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी के मेयर चुनाव की डेट पर अपनी मोहर लगा दी। दिल्ली मेयर चुनाव कराने का यह चौथा प्रयास है। इससे पूर्व 3 प्रयास असफल हो गए हैं। पहली बार 6 जनवरी को सदन की बैठक बुलाई गई थी, फिर दूसरी बैठक 24 जनवरी और महीने भर के अंदर ही तीसरी बैठक 6 फरवरी को बुलाई गई, पर इन बैठकों में भाजपा और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के हंगामा से चुनाव स्थगित करना पड़ा। दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव अब 16 फरवरी को तय माना गया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे पिछले साल 7 दिसंबर को आ गए थे। एमसीडी चुनाव में आपने 134 सीटें जीती और बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आपकी इस जीत के साथ 15 साल का भाजपा का शासन समाप्त हो गया। 3 बैठकों में दिल्ली नगर निगम के मेयर के निर्वाचन को सफलता नहीं मिली है। पार्षदों की शपथ से लेकर मेयर, उपमेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव का ही एक ही बैठक में कराना होता है। नियमानुसार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निकाय चुनाव के बाद होने वाले पहले सदन में होता है, पर नगर निकाय चुनाव हुए 2 महीने बीत चुके हैं और दिल्ली को अभी मेयर मिलना बाकी है। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव न होने पर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर 5 मांगे रखी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी पीठासीन अधिकारी, निगम कमिश्नर और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।